जय श्री राम। हनुमान चालीसा। चालीस चौपाइयों यानी के पंक्तियों में लिखी गई हनुमान जी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और असरदार प्रार्थना है, जिसे गाते ही हमें अपने अंदर एक अलग ही जोश, अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। लगता है हनुमान जी अब हमारे सारे संकट हर लेंगे। तो जो भी हनुमान भक्त हैं, वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा को लिखा किसने था? इसे लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। तो इस शो में हम इसी छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली स्तुति हनुमान चालीसा को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमारा आपसे एक सवाल है, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या आप उसका पूरा अर्थ समझते हैं? उसमें लिखी 40 पंक्तियों में क्या बात कही जा रही है, किस भाव से कहा जा रहा है, ये पूरी तरह जानते हैं? वैसे ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान को इन बातों से कोई मतलब नहीं कि आप उन्हें सोने या चांदी के सिंहासन पर बिठा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं या रूखा सूखा खिला रहे हैं। वो भक्ति में भक्त के भाव, उसके इंटेंशन, उसका प्रेम देखते हैं और कुछ नहीं। और ये भाव उन तक हमारी प्रार्थना के द्वारा पहुंचता है। हम प्रार्थना में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पहनकर कहां बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी बातों से ज्यादा जरूरी बात यह है कि प्रार्थना करते हुए हमारे दिल से क्या भाव निकल रहा है। इसीलिए कोई भी प्रार्थना या स्तुति करते हुए हमें उसके अर्थ को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। उसको बोलते हुए हमारे अंदर से भाव कैसे उठेंगे? जब समझकर प्रार्थना की जाएगी तो वो पूरे दिल से, पूरे भाव से उठेगी और फिर भगवान तक भी जरूर पहुंचेगी। हनुमान चालीसा हनुमान जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और असरदार प्रार्थना है। इसलिए हम सभी हनुमान भक्तों के लिए ये सीरीज लाए हैं, ताकि आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो पूरी समझ से, पूरे भाव से पढ़ें, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिले। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है दो दोहों से, जिसमें सदगुरु को नमन किया गया है और हनुमान जी से प्रार्थना की गई है। इसके बाद आती है 40 चौपाइयां, जिनमें हनुमान जी के रूप, भक्ति, शक्ति का वर्णन है, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की सराहना है। तो आइए इस पहले एपिसोड से शुरुआत करते हैं पहले दोहे को समझने की। ये दोहा पढ़ने सुनने में तो बड़ा छोटा नजर आता है, पर यकीन जानिए ये दो लाइनें गागर में सागर की कहावत को सिद्ध करती हैं। कैसे? इसका जवाब आपको आगे मिलने ही वाला है। तो दोहा इस प्रकार है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बर नौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। पहले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूँ और श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाले हैं। यहाँ पर गुरु के चरणों की धूल का अर्थ दरअसल गुरु से मिला ज्ञान है, समझ है, उनकी कृपा है। वो गुरु ही हैं जो हमें सही ज्ञान देकर हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें सही गलत में फर्क करना सिखाते हैं, हमारी गलत सोच को, गलत आदतों को दूर करके हमें सकारात्मक और भक्त बनाते हैं, और संगति से हमारा बुरे विचारों, आदतों, कर्मों से मैला हुआ मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। और भक्ति में सबसे पहली जरूरत यही है, मन की शुद्धता। अगर मन में विकार है, गलत भावना है, तो ऐसा मन ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं सकता। शरीर भले ही माला लेकर जाप करने बैठ जाएगा, मगर मन तो संसार में, दुनियादारी में ही भागा फिरेगा। इसलिए तुलसीदास जी पहले गुरुदेव का ध्यान करके, उनके शिक्षाओं को याद करके अपने मन को शुद्ध और स्थिर कर रहे हैं, और ऐसे शुद्ध मन से श्री राम के महान यश का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं,
श्री राम जी का नाम सिमरन, उनके यश का वर्णन हमें चारों तरह के फल देने वाला है। ये चार फल क्या हैं? कैसे मिलते हैं, क्या आप जानते हैं? इन्हीं फलों के बारे में बाकी बातें अगले एपिसोड में।